बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलें हम आपको आज सिखाते हैं टिक्का बिरयानी। चिकन टिक्का बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करना है। तो आएँ देखते हैं रेसिपी कार्ड। मैं ले रही हूँ 1 kg चिकन, 2 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 cup योगर्ट, 2 tablespoon विनेगर। मैरिनेशन के लिए अब 2 tablespoon डाल रही हूँ मैं विनेगर, ये टिक्के की मैरिनेशन के लिए है। 2 tablespoon विनेगर, 1 sachet टिक्का मसाला, 1/2 kg का ही है ये पैकेट, 2 tablespoon गार्लिक पेस्ट, योगर्ट। तमाम अज़ा को एक बॉल में डालकर मिक्स कर लें आप। चिकन पे कट लगाना लाजमी है ताकि अंदर मसाला मैरिनेट के रिलेशन में सही आ जाए और चिकन टेंडर हो जाए अच्छी तरह से, जूसी होगी इसकी वजह से चिकन। अब तमाम अज़ा को मिक्स करके रख दें, या तो ओवरनाइट रखें या 6-7 घंटे रखें। अब एक पैन में 2 tablespoon घी डालकर जो मैरिनेट की हुई चिकन है उसे डाल दें, और डालने के बाद आप इसको तकरीबन 1/2 घंटे के लिए कुक कर लें। अब 1/2 घंटे के बाद में अब चिकन कर रही हूँ, अब ये तैयार है। अब इसके लिए मैं डबल रोटी का स्लाइस रख रही हूँ इसके अंदर, और कोयले का स्मोक देने के लिए कोयला गरम करके इसमें रखूँगी, और उसके ऊपर ऑयल डाल दें। ऑयल डालने के बाद फौरन इसको कवर कर दें, और इसका स्मोक जो होगा वो चिकन को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। बिरयानी के लिए टिक्का को हमने तैयार कर लिया है। अब आएँ बिरयानी के मसाले की तरफ, जिसके लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स दरकार हैं। 1 cup कुकिंग ऑयल, 3 अदद प्याज, 3 अदद आलू को जर्दे के कलर में आप बॉयल करके निकाल लें, टमाटर 3 से 4 अदद बबड़े साइज़ के, 8 से 9 हरी मिर्च, बिरयानी मसाला यहाँ मैंने शान का यूज़ किया है 1 किलो का, पुदीना 1/2 bunch, एक प्याली दही, आलू बुखारा 8 से 10 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 tablespoon, नमक हसबे ज़ायका, कोई तेज़ खाता है कोई कम खाता है ये आपके ऊपर है, गरम मसाला, ज़ीरा 1 tablespoon, छोटी इलायची 1 teaspoon, बिरयानी मसाला बनाने के लिए कढ़ाई में 1 cup तेल गरम करें, ऑयल गरम हो जाए तो उसके बाद 1 teaspoon गरम मसाला, गरम मसाला डालने के बाद इसमें प्याज डालकर गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और हरी मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर भूनेंगे इसको काफ़ी देर तक, जब तक स्मेल ख़त्म ना हो जाए लहसुन अदरक की। लहसुन अदरक अच्छी तरह से भूनने के बाद इसको कवर करके रख दें जब तक पानी टमाटर का ख़त्म ना हो जाए। दही में बिरयानी का पैकेट डालकर अच्छी तरह फेंट कर मसाले में ऐड कर दें, और साथ ही 1 teaspoon ज़ीरा भी डाल दें। दही डालकर भून लें, इसका ऑयल सेपरेट हो जाए वहाँ तक, और फिर इसमें आलू ऐड कर लें, आलू के बाद आलू बुखारे ऐड कर लें। आलू बुखारे डालने के बाद इसको कवर कर कर रख दें रोगन ऊपर आ जाए जब तक। अब हम बिरयानी के लिए चावल बॉयल करने रख रहे हैं, उसके लिए हम एक बर्तन में 6 गिलास पानी डाल लेंगे,
और उसके अंदर गरम मसाला, 3 अदद लौंग, 4-5 गरम काली मिर्च, 2 बादियान के फूल, 1 छोटी इलायची, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 2 हरी मिर्च डालकर हम चावलों को उबालने रख देंगे। 2 टेबल स्पून सिरका, सिरका इसलिए डाला जा रहा है कि चावल इससे खिले खिले बिरयानी के रहते हैं, चावल अलग अलग नज़र आते हैं बिरयानी में। अब इसमें हम चावल ऐड कर रहे हैं, चावल को हम 1 कनी उबाल लेंगे। 1 किलो चावल को मैं 6 गिलास पानी में बॉयल करने रख रही हूँ, 1 कनी के उबालने तक इसका इंतज़ार करेंगे। अब उसी चावल में से मैं 1 कप चावल जर्दे के कलर वाले बॉयल कर रही हूँ अलहदा से 2 कप पानी के अंदर, लेयर लगाने के लिए बिरयानी की। ये देखिए मैं चावल चेक कर रही हूँ, ये चावल 1 कनी हो चुके हैं, अब ये बिरयानी के लिए तैयार हैं। अब इसको हम छानेंगे अलहदा से निकाल कर। अब ये हमने दोनों चावल बॉईल करके निकाल लिए हैं लेयर लगाने के लिए बिरयानी की, और लेयर में पहले हम चावल डाल रहे हैं, ऊपर से जो हम मसाला बिरयानी का बना के रखा है वो डाल रहे हैं। उसको डालने के बाद पीले जो चावल हमने बॉईल करके रखे हैं वो ऊपर से डालेंगे। अब दूसरी लेयर लगा रही हूँ, उसके अंदर वाइट चावल बिछा कर अपने मसाला डाल रही हूँ। 2 लेयर की बिरयानी है ये। अब केवड़ा वाटर डाल के और ये जो मैं टिक्का तैयार करके मैंने रखा हुआ था वो अब एंड में डाल रही हूँ। पुदीने के लीफ और टिक्का डालकर अब इसको हम दम पे लगा देंगे। अब मैं इसमें कोयले का स्मोक देने के लिए कोयला लगा कर दम पर लगा रही हूँ, इससे कोयले के धुएं से इस बिरयानी में जान आ जाएगी, बड़ी ज़बरदस्त स्मेल आती है स्मोक की। बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी है, दम हो चुकी है, ज़बरदस्त यमी बिरयानी हमारी तैयार है। मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी।